हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किसलिए किया? 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि 40% सीटें आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि सक्रिय राजनीति में आने से पहले और उसमें आने के बाद जिस कर्तव्य बोधता का और जिन मूल्यों को लेकर प्रियंका जी चली है, उसमें साहस का, दृढ़ निश्चय का और करुणा का समावेश है। मिलने आई थी? हाँ, मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। क्या बताया आपने? आपने क्या बताया? भैया पहुँचे नहीं पाए, दूर से देखे। अच्छा, 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया गया है। हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, देख बात वोट देंगे आप? हाँ, और का और न देखो तो पहले करते बिल्कुल जो बीजेपी को टक्कर देंगे, और हम सब महिला एक हैं और दीदी का हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, गांव गांव जा कर के सहयोग करेंगे और दीदी का जो है लाएंगे जिले में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारी दीदी की सरकार बने जिससे कि हम महिलाओं का अगर उसे सर ऊंचा हो। योगी की सरकार में महिला सुरक्षा पे क्या आपका कहना है? योगी की सरकार पे कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग जिला बाराबंकी से हैं और काफी हमारी जिला अध्यक्ष हैं सन्नम वारसी जी, जिससे कि हमारी पूरी संगठन आई हुई है समझे, और हम लोग कोई भी दीदी का कार्यक्रम होता है कहीं भी होता है, बहराइच भी गए हैं, वहाँ भी जो है कार्यक्रम हुआ वहाँ भी साथ रहे हैं, इसलिए कि मेरी दीदी जो है गली गली गांव गांव कूचे कूचे जा करके दलितों की बस्ती में जा करके वो जो है सबको जागरूक कर रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोग डरना नहीं बिल्कुल भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग आए, और जिन्होंने प्रियंका को सुना, हम कुछ लोगों से हमने बातचीत भी करी।